वेलकम टू पंचम तंत्र। आज का वीडियो खास है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने ईयरफोन्स लगाने पड़ेंगे। ये बहुत जरूरी है कि आज का वीडियो आप ईयरफोन्स पहन कर देखें या सुने रहे एक्चुअली। तो आज का वीडियो है अबाउट पैनिंग, अबाउट स्टीरियो एंड अबाउट द ब्रिलियंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और पंचमता की आदत, जो हर चीज में कायदा तोड़ कर काम किया करते थे। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो वीडियो है उस गाने के बारे में जो एक कमाल के एल्बम का हिस्सा था। वो एल्बम था दिल पड़ोसी है और वो गाना था सातों बार बोले बंसी। इसमें अगर आप सुनोगे, आमतौर पे जब हम लोग रिदम का पैनिंग करते, पैनिंग का मतलब होता है लेफ्ट ईयर में क्या आएगा, राइट ईयर में क्या आएगा, सेंटर एने दोनों ईयर में क्या आएगा, सो दैट इज अ पैनिंग डिजाइनिंग ऑफ द सॉन्ग। आमतौर पर जब रिदम का पैनिंग होता है, जो मेन रिदम होता है तबला या मादल या ढोलक, ये सबको हम सेंटर पैनिंग यानी दोनों कानों से रखते हैं, और जो परकशन छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे शेकर्स है या खंजीरी है या मंजीरा है, इसे हम पैन करते हैं। पैन यानी लेफ्ट या राइट में, जहां पे हमें चाहिए, या ऑफ लेफ्ट ऑफ राइट पैनिंग होगा। लेकिन इस गाने में, सातों बार बोले बंसी में, पंचमदा ने कमाल का पैनिंग किया। बहुत रिवॉल्यूशनरी पैनिंग है ये। इसमें जो छोटे इंस्ट्रूमेंट्स है यानी शेकर्स वगैरह जो बज रहे हैं, ये जो है ये सेंटर में दोनों कान से आ रहे हैं, और जो मेन रिदम है तबला और मादल, ये दोनों को पैन कर दिया। तबला आपको लेफ्ट कान में सुनाई देता है और मादल आपको राइट कान में सुनाई देता है, राइट ईयरफोन से सुनाई देता है। आपने अगर ईयरफोन पहना है, यू विल एंजॉय दिस मच मोर। सुनिएगा कि एक्चुअली लेफ्ट कान में क्या सुनाई देता है। जैसे आपने सुना तबला इन द लेफ्ट, उसमें मादल का आवाज नहीं था, और जब राइट कान सुनोगे तो उसमें आपको मादल सुनाई देगा लेकिन तबला नहीं सुनाई देगा, वो लेफ्ट में बज रहा था। लिसन टू दिस। अरे चुप के सुर में भेद छुपाए, फूंक फूंक बतलाए, तन की सीधी मन की घुन्नी, 25 भेजे खाए। द जीनियस ऑफ पंचम। और जब ये सब साथ में आने के, तब दोनों कान में आपको ये स्टीरियो इफेक्ट आ जाने का। अरे चुप के सुर में भेद छुपाए, फूंक फूंक बतलाए, तन की सीधी मन की धुन्नी, 25 भेजे खाए। Now once you understand this concept of stereo effect, अभी सोचिएगा कि आमतौर पर जो शायरी होती है, वो शायरी या जो वर्ड्स होते हैं लिरिक्स, उसका मीनिंग बताने के लिए ट्यून का इस्तेमाल किया जाता है, गायकी का इस्तेमाल किया जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पंचमदा ने इस गाने में लिरिक्स का मतलब निकालने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। अभी सोचिएगा कैसे। इस गाने के जो वर्ड्स है, सातों बार बोले बंसी, आठवीं बार बोले ना, सातों बार बोले बंसी, बंसी यानी फ्लूट यानी बांसुरी, इसमें सात छेद होते हैं, छह ऊपर होते हैं और एक कोने में होता है नीचे। तो ये जो सात छेद होते हैं, वो सात छेदों से तो सुर आता है बंसी का, लेकिन एक सुर जो अपने अंदर वो दबा के रखती है, जो सुनाई नहीं देता बट बचता है अगर आप दिल से सुनो, ये पंचमदा ने किस तरह दिखाया था। तो अगर आप ध्यान से सुनोगे, जो फ्लूट का पैनिंग है, उन्होंने जो फ्लूट, जो फिजिकल नोट्स है फ्लूट के, जो फ्लूट बज रही है ड्राई यानी विदाउट एनी इफेक्ट, ये फ्लूट आपको लेफ्ट कान में सुनाई देती है। सुनिएगा। और जो इसको टेक्नोलॉजिकली डिले इफेक्ट दिया था, वो सिर्फ डिले इफेक्ट फ्लूट का, ये आपके राइट कान में बजता है। दैट इज द आठवीं बार बोले ना, दैट इज द डिले इफेक्ट जो पंचमदा ने दिखाया था, ओनली पैन टू योर राइट। लिसन टू दिस। और ये साथ में आकर सात सुर आपके लेफ्ट ईयर में, और वो आठवां सुर अगर आप ध्यान से सुनो, वो आपके राइट ईयर में बजता है। सातों बार बोले बंसी, आठवीं बार बोले ना। लिसन टू दिस ना। सोचिएगा क्या कमाल की सोच थी। गाने का जो
तार है गाने की जो समरी है उस चीज को टेक्नोलॉजिकली डिफाइन कर, टेक्नोलॉजिकली एक्सप्रेस करना, जीनियस आदि बताओ।